तो ये देखिए यहाँ पे राजमा का साग बना हुआ है, और देखो भाई यहाँ पे हरी सब्जी बनी हुई है, देखिए नई नई ककड़ी का रायता बना हुआ है। भाई यहाँ पर भी लोगों ने बहुत सारी राजमा लगा रखी है, ये देखो वे जो भ्याग वाटरफॉल है वो बहुत उफान में रहता है, वो तेज बारिश लगना शुरू हो गई है। हेलो जी, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, स्वागत प्रणाम आपका एक और नई वीडियो में देवभूमि उत्तराखंड के इन खूबसूरत पहाड़ों से। आज देखो पहाड़ों में मस्त धूप लगी हुई है, और जैसे ना इन हरे भरे खेतों में धूप की चमक पड़ती है ना, इनकी सुंदरता और भी बढ़ जाती है भाई। और सामने मंदमेश्वर घाटी से देखो आप लोग बादल लगे हुए हैं, बादलों के बीच में यहाँ पे जो बर्फीले पहाड़ हैं वो दिखाई दे रहे हैं। और यहाँ तो भाई बहुत दिन बाद ऐसे परफेक्ट धूप लगी है, देखो आप। भले ऐसा है कि आसमान में बादल लगे हुए हैं, लेकिन लगभग देखो आसमान पूरा नीला है भाई, बहुत दिन बाद ऐसा खूबसूरत नज़ारा देखने को मिल रहा है। बाकी धूप लगी हुई है तो चौक में देखो यहाँ पे ये लाल मिर्च डाली हुई है सुखाने के लिए। अब जैसे ये मिर्च अच्छे से सूख जाएंगी ना, तो फिर इसका काम आता है भाई जो मिर्च पाउडर है वो बनाने के काम। और ठीक नीचे पे देखो भाई माँ की तैयारी भी हो गई है गाय को जंगल ले जाने की, मतलब उन्हें चराने की। तो आगे इस साइड ले जाते हैं गाय को चराने के लिए आजकल, क्योंकि जो पीछे वाली चार है ये आजकल बंद है, फिलहाल दीपावली तक ये चार बंद रहती है, जैसे दीपावली आती है वैसे ही वो चार भी खुल जाती है। देखिए जी आज वीडियो की शुरुआत ना काफी देर में हुई है, तो देखो धूप बिना लगी ऊपर में पहुंच गई है भाई, देखो आप लोग सीधे सर के ऊपर में। बाकी यहाँ पर ये मस्त से यहाँ पे फूल है, और अंदर पे ना खाना बन के भी रेडी हो गया है, तो आपको दिखाते हैं। आज काफी स्पेशल सी चीजें बनी हुई है, तो ये देखिए जी यहाँ पर आज खाना बनाया है पापा ने, और पापा बहुत टेस्टी साग बनाते हैं, साग सब्जी दाल। तो ये देखिए यहाँ पे राजमा का साग बना हुआ है, बहुत टेस्टी, ये देखिए। चलो अच्छी बात है आज राजमा बनी हुई है बहुत दिन बाद। और बहुत सारे लोगों का कमेंट रहता है भाई कि आरखा कि आप लोग ज़्यादातर राजमा चावल खाते हैं, तो ज़्यादातर तो हम राजमा चावल ही खाते हैं, मतलब हफ्ते में लगभग दो तीन बारी तो बनता ही बनता है रेगुलर, हमेशा की तरह। देखो भाई यहाँ पे हरी सब्जी बनी हुई है जो कि हमारी रेगुलर बनती है भाई, तो ऐसा है दोपहर के टाइम पर हमेशा हरी सब्जी बनती है। और यहाँ पर अपने चावल हैं, और साथ में देखिए नई नई ककड़ी का रायता बना हुआ है, तो ये देखिए। चलो ऐसा कुछ है, बाकी अपना सारा खाना बनके रेडी हो गया है। अब आजकल ककड़ियों का टाइम चल रहा है, तो लगभग ये सारी चीजें बनती ही बनती हैं भाई। और ये देखो यहाँ पे छोटा डॉगी हो। चलो भाई खाना बनके तो रेडी हो गया है, बाकी एक बारी पापा नहा रहे हैं, फिर उसके बाद खाना खाते हैं भाई। देखो भाई यहाँ पर जो तुरई की बेल है ये भी देखो आप लोग, थोड़ा सा बड़ी हो गई है काफी, वैसे इस पे लगना शुरू हो गए होंगे, वैसे नीचे नीचे मुझे लग रहा है लग गए होंगे। उसके बगल ही में यहाँ पर ये दूसरी बेल थी भाई, ककड़ी की बेल, और अब ये छोटी है, अभी उस पे लगना शुरू नहीं हुआ है, तो इस पे अभी लग ही रहे हैं भाई। अब कुछ टाइम में जो हमारी लगभग ये साग सब्जियां हैं ये बगली पे हो जाती हैं। तो चलिए जी खाना भी अब यहाँ पर रख दिया है, बाकी देखो यहाँ पे अपनी थाली, बाकी अपनी यहाँ पे देखो अपनी थाली भी सज के रेडी हो गई है। चलिए जी टाइम भी लगभग पौने एक हो गया है, बाकी अभी दोपहर का खाना भी हम लोगों का कंप्लीट हो गया है भाई। सुबह के टाइम पे देखिए जी मौसम कैसा था, पूरा मतलब साफ मौसम था ऊपर की साइड से भी, और अभी देखो शाम आते आते मौसम पैक्ड हो गया है, और नीचे से अभी वैसे नीला आसमान दिखाई दे रहा है, लेकिन नीचे नीचे भी इधर पूरे बादल लग गए हैं भाई। आजकल पहाड़ों में कपड़े डालने के लिए भी जैसे धूप लगी तो मतलब ऐसा है कि धूप चुराने का काम है, जैसे धूप लगी तो सीधे लगाने हैं कपड़े घाम पे। अभी अपने टॉमी लोगों का भी खाना हो गया है, दोनों को हमने खाना दे दिया वहाँ पे, इनको रेगुलर देना पड़ता है भाई, छांस हो गया और रोटी।
शाम का भी देखिए जी 5 बज चुके हैं और अभी देखो पूरा मौसम फिर से पैक्ड हो गया है। सामने गिरिया मानसूना साइड यहाँ पर देखिए जगह पे देखिए बारिश हो रही है, बाकी ऊपर ऊपर देखो पूरे बादल लग गए हैं। इस दिन ना सुबह से दोपहर तक मस्त वाली धूप लगी हुई है ना, दोपहर में इतनी भयंकर वाली आंख लग रही है कि सीधे नींद लगभग 3-4 बजे खुल रही है भाई। बाकी 1-1.5 बजे मुझे नींद आ गई थी, सीधे देखो यहाँ 4:30 बजे उठा हूँ अभी। ये देखिए जी यहाँ पर हमारी ककड़ी का बेल है ना, तो ये बेल भी देखो पूरा नीचे आ गया है भाई। मतलब कुछ तो ऊपर जा रहा है लेकिन कुछ कुछ जो ये बेलें हैं ना ये नीचे की तरफ जा रही हैं। अब इनको ऊपर की तरफ करना पड़ेगा, नहीं तो ये पूरा झूलेगा भाई यहाँ नीचे और फिर दिक्कत हो सकती है, इसलिए सब ये ऊपर डालना पड़ेगा। नीचे इसलिए दिक्कत है क्योंकि यहाँ पर लोगों का खेत है और फिर बेकार रहता है, अगर उस खेत में गया ना तो फिर बेकार रहता है ये। अगले टाइम पे ऐसा मौसम हो रहा था कि आज दिन भर धूप रहेगी, लेकिन देखिए भाई शाम आते आते फिर से बारिश लगना शुरू हो गई है, बारीक बारीक वाली बूंदाबांदी लगना शुरू हो गई है। पहाड़ों में कहते हैं भाई जिस दिन ना सुबह के टाइम पे तगड़ी वाली धूप की चमक लगती है तो रात को उतनी ही खतरनाक बारिश होती है, तो भाई आज का कोई भरोसा नहीं है। आज तो सुबह इतनी तेज वाली धूप लगी है ना कि क्या बताएं भाई, मतलब कि रात को भयंकर वाली बारिश लगने वाली है। और ठीक नीचे पे देखो भाई यहाँ पे ताई लोगों का ये आड़ू का पेड़ है, तो ऊपर में देखो इतने सारे आड़ू लगे हुए है ना कि उसकी पूरी टहनी झूल रही है भाई। और ऐसे में टहनी टूटने का भी डर होता है। बरसात के टाइम पे पहाड़ों के इतने प्यारे नजारे होते हैं कि मन करता है भाई कि साल भर ऐसे ही नजारे रहे। देखो आप लोग हरा भरा माहौल है, बारिश लग रही है, कभी कभी धूप लग रही है, तो बहुत खूबसूरत से नजारे रहते हैं। अब ये नजारे जितने सुंदर दिखाई दे रहे हैं उतना ही खतरनाक भी होते हैं भाई। पहाड़ों में तो मानसून का टाइम सबसे खतरनाक टाइम होता है, इसी में बहुत टूट फूटी होती है। पर ऐसा है भाई हर चीज हमारे हिसाब से भी नहीं हो सकती है, तो कुछ चीजें प्रकृति पर छोड़ देनी चाहिए। शाम का टाइम भी हो गया है, शाम का टाइम होता है भाई अपना रांची की तरफ घूमने चलते हैं। एक बार यहाँ पे दरवाजा वगैरह लगा देते हैं क्योंकि माँ गई है भाई कीर्तन में। बाकी भाई बस बारिश ना आए, नहीं तो शाम को भीग के आना पड़ेगा। और अपना मोंटी भी देखो यहाँ पे मस्त लेटा हुआ है। चल मोंटी बाय बाय, बाय बाय मोंटी, बाय बाय मोंटी। तो चलो अब निकलते हैं। और यहाँ पर देखो आप लोग जो यहाँ पर ककड़ी की बेल लगाई थी पूरी ककड़ी की बेल खराब हो गई है भाई, अब पता नहीं कैसे। पर ये देखो आप इतनी जल्दी ये पूरा ऐसे हो गया, मतलब इसकी बेल ना बहुत अजीब टाइप की हो गई है। यहाँ देखो आप ये देखो भाई बहुत ही ख़राब कंडीशन इस बेल की। यहाँ से ठीक नीचे देखो आप लोग यहाँ पर ये राजमा की खेती है और इधर साइड भी, और साथ में यहाँ पर ये धान वगैरह लगा रखा है। और ये देखो यहाँ पे चाची औरों ने घास लाया हुआ है खच्चरों के लिए, ये सारी पुलियाएं देखो यहाँ पे। और यहाँ सामने देखिए भाई टूट फूट हो रखी है ये, यहाँ पे देखिए। रास्ते के नीचे साइड देखो भाई यहाँ पर भी लोगों ने बहुत सारी राजमा लगा रखी है। और हमारे इधर साइड ना इतनी ज़्यादा बड़ी बेल वाली राजमा होती है भाई, कहीं कहीं मैंने देखे थे कि इतने इतने तक रोती है राजमा। यहाँ देखो इसके हाफ तक मान के चलो, यहाँ पर देखो आप लोग इतने लंबे लंबे से सटके लाने पड़ते हैं, फिर उसमें भी देखो ऊपर तक जाती है भाई राजमा। सोचो आप यहाँ पर इतने बड़े बड़े होते हैं, इसलिए यहाँ पर जो राजमा की बेल है ना वो काफ़ी बड़ी होती है। ये राजमा की बेल है तो इसमें देखो आप लोग अभी तक राजमा नहीं लगी है जबकि ये ऊपर तक चली गई है भाई, ये देखो तो कुछ ऐसा है। और इस जगह पे देखो आप लोग यहाँ पर राजमा की बेल जा रही है ना, तो वैसे इस पे देखो मस्त से राजमा भी लगी हुई है, देखो आप ये देखो, तो ये फ़र्क होता है भाई। मतलब कि ये है कि अभी इन पर राजमा काफ़ी देर में लगेगी, कहीं कहीं तो लगी हैं लेकिन जो मेन राजमा है ना जब ज़्यादा लगती हैं तो वो थोड़ा देर में लगेंगी इन पर। और साथ ही में पहाड़ों में एक चीज़ होती है भाई, अपने घर के अगल बगल हो गया और गौशाला के अगल बगल लोगों ने सब्जियाँ लगा ही लगा रखी रहती हैं। इधर साइड देखो यहाँ पर भैया लोगों की गौशाला है तो नीचे साइड वहाँ पर बहुत सारी सब्जियाँ लगा रखी हैं। यहाँ पर देखो आप लोग यहाँ पर मिर्च लगा रखी हैं, तो ये देखो आप इस पर कितनी सारी मिर्चें लगी हुई है भाई, पूरा ये खेत यहाँ पर मिर्चों का है यहाँ तक। पहाड़ों में एक चीज़ है, हल्दी पाउडर हो गया, मिर्च पाउडर हो गया, या जो धनिया पाउडर होता है लगभग लोगों के घर ही में हो जाता है भाई पहाड़ों में जाकर। वैसे बेचने लायक तो नहीं लेकिन अपने लायक तो हो जाता है। और ये रहा भाई अपना धारा। और बहुत से लोग मुझसे पूछ रहे थे कि मंडवा कैसा होता है, तो ये देखिए सामने पे मंडवे की बालियां कुछ ऐसे होती हैं। ये देखिए जी ये है मंडवा। पहाड़ों में ना मंडवे को ऐसे खाते हैं, मंडवे को मतलब चक्की में दिया, मंडवा पीसा, फिर क्या होता है उसको जो मेन आटा होता है उसके साथ मिक्स किया जाता है, तो थोड़ा सा मतलब इतना इतना मंडवा डालना है।
एक टाइम के आटे में, फिर आटा और मंडुए मिक्स में बहुत टेस्टी रोटी बनती है और वो रोटियां ना बहुत पौष्टिक भी होती हैं भाई। और ये होता है पहाड़ी टांगरा, इसके सिंग देखो आप लोग कितने बड़े बड़े सिंग होते हैं। तो अपना एक छोटा भाई मिल गया था तो उसके लिफ्ट मांगी मैंने रांची तक। मैं बहुत सारे लोग पूछते हैं भाई कि आपकी गाड़ियां कहां रहती हैं लगा रखी, तो ये देखिए जी ये हमारा मेन मार्केट है और लगभग गाड़ियां हमने ना मेन मार्केट ही में लगाई रहती हैं। यहां पर सेफ भी है, हमारे घर के ऊपर साइड भी सेफ है, लेकिन वहां पर ऐसा होता है ना कि फिर भी ऐसा लगता है कि शायद कोई छेड़ेगा। अब यहां मार्केट में तो सबकी नजरें रहती हैं तो यहाँ पर थोड़ा ज्यादा सेफ रहती है गाड़ियाँ। ठीक नीचे देखो भाई यहाँ पर अपना भ्याग वाटरफॉल है, आजकल बहुत ही बढ़िया पड़ता है भाई मानसून के टाइम पे। देखिए भाई जो भ्याग वाटरफॉल है वो बहुत उफान में रहता है, ये देखिए। और ऐसा ही वाटरफॉल ना ठीक यहाँ पीछे पड़ता है। आजकल पहाड़ों में इस साइड बहुत सारे वाटरफॉल पड़ते हैं, यहाँ ऊपर भी बहुत सारे वाटरफॉल हैं। सामने पे देखो आप लोग यहाँ पर हमेशा पानी आता है भाई जगह पर भी। सामने पे देखिए भाई अपना प्यारा सा गांव दिखाई दे रहा है, ऊपर का व्यू ना इतना प्यारा रहता है अपना गांव का कि क्या बताएं भाई। ये नीचे वाला मार्केट है और आगे से टर्न होकर के ऊपर राकेश्वरी माता के मंदिर के लिए आया जाता है। राकेश्वरी माता का मंदिर है ठीक सेंटर में यहाँ पर, और देखिए भाई बहुत ही गजब का व्यू। बाकी गाँव के बीचों बीच बहुत सारे खेत हैं, यहाँ पर धान हो गया, मंडवा हो गया, कूणी, ये सब चीज़ लगाई रहती है लोगों ने। और ठीक सामने देखो यहाँ पर हो रहा है अपना वॉलीबॉल मैच। जैसे हम लोग ग्राउंड में पहुंचे वैसे ही देखो तेज भारी बारिश लगना शुरू हो गई है। 15 मिनट भी नहीं खेला हम लोग, चलो जल्दी कहाँ जा रहे तुम लोग, घूम जा लो घूम पड़ो घूमो घूमो। देखो जैसे ही बारिश रुकी है वैसे ही यहाँ पर चौमिन बनवाई है हम लोगों ने, और अपने साथ के सब लोग यहाँ पे है, गोलू है, दीपक भैया हो गए और कैलाश पहाड़ी कैलाश पहाड़ी खा दो कचोरी। रात के अभी देखिए जी 9 बज गए हैं, बाकी मैं भी घर पहुंच गया हूं और खाने खाने का टाइम भी हो गया है। ओ छोटू 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 करके 4 मिनट हो गए हैं। बाकी सामने पर लाइट देखो, वहां पे ताई जी चाची लोग सब जा रखे हैं चिल्लाने के लिए। आजकल रेगुलर जगह जाना पड़ता है क्योंकि यहाँ पर है भाई सुअरों का आतंक, बहुत सारे सुअर आ जाते हैं भाई रात को और जितना भी अनाज रहता है उसको पूरा खराब कर देते हैं। तो अभी देखो सब लोग यहाँ पर देखो, और ये देखिए जी कंटर रेगुलर बजाना पड़ता है भाई, तब उसकी वजह से क्या होता है कि जो सुअर है ना वो भाग जाते हैं। बारिश लगना भी शुरू हो गई है और साथ ही में कल हमारी तैयारी भी है भाई एक ट्रिप पे जाने की। अभी ऐसा है कि अभी 50-50% है, अगर बारिश लग गई मौसम ख़राब हुआ तो बिल्कुल रिस्क नहीं लेंगे, लेकिन अगर मौसम सही रहा तो फिर तो कोई दिक्कत नहीं है। तो इस वीडियो को भी बस यहीं पर क्लोज करते हैं, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आया वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और अगर आप चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके भी जरूर जाना। बाकी मिलते हैं आपको अगली किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए हंसते रहिए मुस्कुराते रहिए और अपना ध्यान रखिए।